हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस सिंपल कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे विद डिज़ाइनर स्लीव। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये रेयन फैब्रिक लिया है। ये हमारा लगभग 2 मीटर से भी कम कपड़ा है और मैंने ये एक कपड़े का पीस लिया है जिसकी मैं इस पर पैटर्न बनाऊंगी। तो इस कपड़े को मैं आपको एक बारी नाप के दिखा दूंगी इसे। ये हमारा 2 मीटर से कम कपड़ा है। तो ये देखिए, ये हमारा लगभग 170 सेंटीमीटर है, यानी लगभग ये 1.25 मीटर कपड़ा है। तो कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में रखा है। अभी हम इसे 1 फोल्ड और करेंगे इस तरह से। देखिए, ये हमारे 4 लेयर्स हैं। इसमें हम स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। ऊपर से कपड़ा हमारा अनइवन है तो हम इसे एक लाइन खींच के बराबर कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम कुर्ते की लेंथ नापेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये जो टोटल इसकी लंबाई है वो 43.5 इंच है। तो बनने के बाद ये हमारी 42 इंच की रेडी होगी। और यहाँ से इसकी विड्थ हम देख लेते हैं। तो इसे हम अपने हिप साइज़ के अनुसार 4 फोल्ड में करेंगे, यानी हिप साइज़ जितनी है उसका 1/4 लीजिए प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिए। और इतने कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। अब यहाँ बन साइड है और ये ओपन साइड है। तो बन साइड से हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर के लिए शोल्डर का हाफ लेंगे। मैं 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, ये मैंने मार्क किया। और यहाँ से हम आर्म होल मार्क करेंगे। तो आर्म होल के लिए मैं 7 इंच मार्क करूँगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे एक स्ट्रेट लाइन बना के इस तरह से। अभी हम एक मार्क और करेंगे, यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर तक क्रॉस में मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम चेस्ट मार्क करेंगे। तो चेस्ट का 1/4 + 2 इंच लेना है। तो मैं इसे 36 चेस्ट साइज में बना रही हूँ। तो मैंने ये टोटल 11 इंच ले लिया है। अब यहाँ हम इसे राउंड शेप देंगे आर्म होल को। ये हमारा बैक के लिए होगा और ये फ्रंट के लिए होगा। और इसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से वेस्ट की जो लेंथ है वो मैं 14 इंच पे रखूँगी और हिप लेंथ हम 21.5 इंच पे रखेंगे। और इसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए भी वेस्ट का 1/4 + 2 इंच लेना है। तो मैं 9 इंच ले रही हूँ, 28 वेस्ट साइज की मैं इसे बना रही हूँ। और यहाँ पे हिप का 1/4 + 2 इंच लेना है। तो यहाँ पे टोटल मैं 11 इंच लूँगी। अब इन सारे पॉइंट्स को हम मिला लेंगे इस तरह से। हमने इसे मिला लिया और नीचे तक हम इसे स्ट्रेट कट करेंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट रखेंगे और इसके बाद हम नेक मार्क करेंगे। तो इसमें मैं बोट नेक बनाऊंगी। तो बन साइड से यहाँ से हम नेक की जो विड्थ है वो 4 इंच रखेंगे। 4 इंच पे मैंने मार्क किया। और नेक टिप बैक पार्ट के लिए मैं 2.5 इंच रखूँगी और फ्रंट पार्ट के लिए हम 3.5 इंच रखेंगे। यहाँ भी हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। इन सारे पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह से। और इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे शेप देंगे, राउंड शेप देंगे इसे हम। तो ये हमारे नेक की मार्किंग हो गई है। अभी शोल्डर पे हम 1/2 इंच डाउन करेंगे इस तरह से, क्रॉस में मिला लेंगे। तो मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हम सेम निशान पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक का पार्ट कट करेंगे, यानी बैक आर्म होल और बैक नेक की कटिंग सबसे पहले करेंगे। और अभी हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम इसमें से एक पार्ट अलग कर लेंगे
और कपड़े को फिर से उसी तरह से फोल्ड में रख लेंगे, बिल्कुल बराबर से रखेंगे। और इसके बाद फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक कट करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। और इसके बाद हमें स्लीव कट करनी है। तो स्लीव के लिए जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम रख लेते हैं इस तरह से। ये हमारे 4 लेयर्स हैं कपड़े के, ऊपर हमारी बन साइड है और नीचे हमारी ओपन साइड है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ मार्क कर लेंगे। तो इसकी जो तैयार लेंथ है वो मुझे 14 इंच चाहिए। तो इसके लिए हम लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मार्क कर लिया है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। और इसकी जो विड्थ है वो जितनी हमने आर्म होल कट की है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो आर्म होल हमने 7 इंच कट की थी तो हम 9 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 3 इंच मार्क करेंगे और ऊपर से हम इसे स्लीव की शेप देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ हम स्लीव राउंड मार्क करेंगे। तो वो मेरा 4.5 इंच है और इसमें हम लगभग 1 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे इस तरह से। क्रॉस में हम मिला लेंगे। स्लीव की हमने मार्किंग कर ली है, अभी हम इसे कट कर लेंगे सेम निशान पे। तो ये हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अभी दोनों स्लीव को हम ऊपर जो ज्वाइंट वाला पार्ट है वहां से कट कर लेंगे। दूसरी स्लीव को भी इसी तरह से ऊपर से कट कर लेंगे। और ये जो हमने कंट्रास्ट कपड़ा लिया है ये इस तरह से मैंने उसमें से एक स्ट्रिप कट कर ली है। इसकी जो विड्थ है वो मैंने 4 इंच ली हुई है। अभी स्ट्रिप को हम इस तरह से उल्टी साइड से 2 फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर पूरे स्ट्रिप में सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद इसे सीधी साइड टर्न करना है हमें। तो ये देखिए स्ट्रिप को मैंने सिलाई लगा के सीधी साइड में टर्न कर लिया है। और इसके बाद हम इसे स्लीव के साथ अटैच करेंगे। तो ये हम स्लीव को इस तरह से रख लेते हैं और इसे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक और फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड भी फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, नीचे से भी इसे सिलाई लगा ली है। और अभी हम स्ट्रिप को इस तरह से अंदर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो जितनी आप इसमें गैपिंग चाहते हैं उसके अनुसार स्ट्रिप को कट करेंगे। तो मुझे इसमें 1.5 इंच की गैपिंग चाहिए, तो इसके लिए लगभग 1 इंच हम स्ट्रिप को एक्स्ट्रा कट करेंगे। यानी 1.5 के लिए हमें 2.5 की स्ट्रिप कट करनी है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम लगभग 2.5 इंच की स्ट्रिप कट करेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं स्ट्रिप से। और इसे हम नीचे की साइड रखेंगे, ऊपर लगभग 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए स्लीव का इसे हम इसमें इस तरह से अटैच करते जाएंगे।
यहाँ पे आप जितनी गैपिंग रखना चाहते हैं उसके अनुसार गैपिंग रखते हुए स्ट्रिप को इसमें हमें अटैच करना है। तो मैंने इसमें लगभग 1.5 का गैपिंग रखा है और यहाँ पे इस तरह से बराबर से मार्क कर देंगे, और मार्क करने के बाद स्ट्रिप को हम इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखना है। तो अभी हम इसे पिन से अटैच कर लेंगे और इसके बाद इसमें सिलाई लगा लेंगे। ठीक इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव भी तैयार करनी है। इस तरह से इन सारी स्ट्रिप्स को पिन से अटैच करने के बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, स्लीव मैंने तैयार कर ली है इस तरह से, और सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव भी हम तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी नेक तैयार करेंगे। तो अभी हम फ्रंट का पार्ट ले लेते हैं। ये मैंने फ्रंट का पार्ट लिया हुआ है और इसके साथ ही मैंने ये पीस ले लिया है कपड़े से। इसकी लेंथ मैंने 14 इंच ली हुई है और विड्थ इसकी मैंने 13 इंच ली हुई है। और अभी हम इसे उल्टे साइड से रखेंगे और उल्टे साइड से ही ये जो कपड़े का पीस है वो हम इसमें अटैच करेंगे। तो सीधी साइड देखिए मैंने कपड़े की वो नीचे की साइड रखी है और इसे हम पिन से अटैच कर लेंगे। बिल्कुल बराबर से रखते हुए इसे हम पिन से अटैच कर लेंगे और पिन से अटैच करने के बाद हम इसमें नेक के शेप की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे अटैच किया। और अभी हम नेक के शेप की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम छोटे छोटे कट्स बना लेंगे। कट्स बनाते टाइम ध्यान रखें सिलाई ना कटे। और कट्स बनाने के बाद ये जो कपड़े का पीस है उसे हम पलट लेंगे सीधी साइड में इस तरह से। इस तरह से सीधी साइड पलट लेंगे और इसके बाद दोनों साइड से हाफ हाफ इंच फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से भी हाफ इंच फोल्ड करेंगे और ठीक इसी तरह से इसमें नीचे की साइड भी हाफ इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद नेक में भी हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ हम इसे पिन से अटैच कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम बैक का पार्ट तैयार करेंगे। तो हम इसे सीधी साइड से रख लेते हैं और नेक के शेप और नेक के लिए मैंने इसी शेप की स्ट्रिप कट कर ली है। ये हम इसके ऊपर रखेंगे। उल्टी साइड से स्ट्रिप को रखा है और इसी शेप में सिलाई लगाएंगे और उसके बाद स्ट्रिप को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने बैक का पार्ट भी तैयार कर लिया है। अभी हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों सीधी साइड मैंने अंदर रखी है, इस तरह से रखेंगे और शोल्डर पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने शोल्डर भी अटैच कर लिया है। अभी हम इसके स्लीव अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा लगभग
डेढ़ इंच की इसमें गैपिंग है, तो यहाँ पे इस तरह से पतला सा कपड़ा हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे ऊपर और इस पर सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से जो दूसरी साइड का शोल्डर है वहाँ भी हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और थोड़ी दूर तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव में हम फ्रंट पार्ट की स्लीव के लिए 1/2 इंच की गहराई देंगे स्लीव में। तो स्लीव की दोनों उल्टी वाली साइड हम मैंने अंदर की साइड रखी है और इस तरह से यहाँ पे हम 1/2 इंच इस तरह से कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की स्लीव को हमें फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करना है। तो इस तरह से हम रख लेते हैं, यहाँ हम इसे पिन से अटैच कर लेंगे। और इस तरह से अटैच करने के बाद हम स्लीव को इसमें अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी हम सेंटर मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे और इसके बाद स्लीव को इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव अटैच कर ली है, अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हम इसे उल्टे साइड से रख लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखेंगे और इसमें हम फिटिंग का निशान बनाएंगे। तो यहाँ पे हम स्लीव राउंड का निशान लगा देंगे, तो उसके लिए मैं 4.5 इंच मार्कर ले रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो पहले इसका सेंटर मार्क कर लेंगे, सेंटर पे मैंने मार्क किया और यहाँ से हम चेस्ट का 1/4 मार्क कर लेंगे दोनों साइड। तो यहाँ मैं 9 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ, दूसरी साइड भी हम 9 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। और इसी तरह वेस्ट भी हम मार्क कर लेंगे, सेंटर से एक साइड वेस्ट का 1/4 और दूसरी साइड भी 1/4 मार्क कर लेंगे। और यहाँ से देखिए हिप लेंथ मार्क कर लेंगे और हिप लेंथ के बाद हिप भी हम उसी तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और इसके बाद नीचे हम इसके स्लेट बना लेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए हम स्लेट बना लेंगे। तो देखिए हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, इसकी स्लेट भी हमने तैयार कर ली है और नीचे से भी इसे फोल्ड कर लिया है। हमारी कुर्ती बनके रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।